अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं आपके साथ में पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पूरी के साथ खाए जाने वाले छोले की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और 2 कप से थोड़ा सा कम हमने आटा लिया है। हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा हमने 2 टेबल स्पून सूजी ली है और 2 टेबल स्पून ही हमने ऑयल का यूज़ किया है। 1/2 टीस्पून हम करेंगे सॉल्ट का यूज़। आप चाहे तो सिर्फ मैदा में भी आटा गूंद करके पूरी बना सकते हैं या सिर्फ आटे की भी पूरी बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये हेल्दी भी बने। तो सबसे पहले हम मैदा और आटे को दोनों को मिक्स कर लेंगे। इसी में हम सूजी भी ऐड कर लेंगे और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी मिक्स हो जाए। इसी में हम सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से सख्त आटा गूंद कर तैयार करेंगे। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब मैं हाथ से कर लूँगी ताकि जो ऑयल हमने डाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। हमने सभी चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल करके सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटे को सॉफ्ट नहीं गूंदा जाता पूरी के, इसलिए हमें सख्त आटा गूंदना है। इसको सारे को इकट्ठा कर देंगे और बचे हुए आटे में हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। पानी हम एक दफ़ा में ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आटे को हमने सारा इकट्ठा कर लिया है और इसे हम तकरीबन 5 मिनट इस तरीके से दबा दबा कर गूंद लेंगे ताकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो जाए और पूरियाँ हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हों। आटे को हमने अच्छी तरीके से पंच मार करके सॉफ्ट कर लिया है। आटा नेचर से सॉफ्ट है, वैसे इसका सख्त डो तैयार किया है हमने। ये देखिए जैसे कि पूरी बनती हैं सख्त इस तरीके से। तो अब हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद में पूरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे आटे को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब ये पूरी बनाने के लिए एकदम से तैयार है। तो आटा हम ले लेंगे। और इसमें से हम इतने बड़े बड़े पोर्शन कट कर लेंगे। और इसको हम इस तरीके से करेंगे। पहले हम इसको लंबा लंबा कर लेंगे ताकि पूरी बनाने के पोर्शन जब हम तोड़ें तो ये आसानी से जितने बड़े हमें चाहिए आसानी से कट जाए। तो जितनी पूरी बनानी है हमें, जितनी बड़ी पूरी बनानी है उस हिसाब से हम पूरी के पोर्शन कट कर लेंगे इस तरीके से। और इसको हम यूं ही ले लेंगे इस तरीके से और यहीं पे दबा देंगे ये इस तरीके से। तो ये हमें इतने बड़े बड़े पोर्शन चाहिए और सारे पेड़े जो हमने बनाए हैं वो हम यहीं पे इस तरीके से दबा करके पहले इकट्ठे कर लेंगे। उसके बाद में पूरी बेलना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से दबा कर जब हम बनाते हैं तो ये बहुत ईजीली बन जाते हैं और इसे पूरी बेलना भी बहुत ईजी हो जाता है। तो ये हमने इतने पोर्शन बना लिए हैं, पहले हम पूरी बेल लेंगे फिर बचे हुए औरों को भी इसी तरीके से बनाकर हम पूरियां बेलेंगे। तो अब हम पूरियां बेलना स्टार्ट करते हैं। और अब हम पूरियां बेलना स्टार्ट करेंगे तो पूरी की जो चकेल हमने ली है उस पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये बेलने में आसानी हो जाए। और हम इस तरीके से बेलना स्टार्ट करेंगे। जितनी बड़ी हमें पूरी चाहिए उस हिसाब से हम बेल लेंगे और जितनी मोटी या पतली चाहिए उस हिसाब से भी हम बेल लेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये हमारे पूरी की थिकनेस है। इसी तरीके से हम दो चार पूरियाँ पहले बेल कर इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद में हम सेकना शुरू करेंगे, क्योंकि कढ़ाई एकदम गर्म होती है, उसमें जल्दी जल्दी से पूरियाँ सिक जाती हैं और बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पूरी की जितनी थिकनेस हमें चाहिए उस हिसाब से हम बेलेंगे। पाँच से छः पूरियों को हमने बेल लिया है, तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल को हमने कढ़ाई में गरम कर लिया है और एक पूरी डालकर देख लेंगे कि ऑयल हमारा सही गरम है या नहीं। तो ऑयल हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट गरम है और पूरी को हल्का सा दबाते जाएंगे। और इसी में हम दूसरी पूरी डाल देंगे और हल्का सा दबा देंगे ताकि पूरी एकदम फूलकर ऊपर आ जाए। ये पूरी हमारी सिक चुकी है तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी पूरियाँ बिल्कुल खिलकर फूल फूल कर बाहर आ रही हैं, बिल्कुल फूली फूली बनी है हमारी पूरियाँ। इसका मतलब ये है कि आटा हमारा एकदम परफेक्टली सही गूंदा हुआ है और ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। तो पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सिक कर तैयार हो रही हैं। आप देख सकते हैं एक एक पूरी हमारी सिक रही है और फूल रही है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी पूरियों को सेक कर तैयार कर लेंगे, सारी पूरियाँ बना लेंगे। हमारे छोले और पूरी बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है और पूरियाँ हमारी बहुत फूली फूली बनी हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने आटा गूंदा है वो एकदम परफेक्टली नीड हुआ हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसमें जो छोले हमने यूज़ किए हैं इसकी रेसिपी आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, इसको मैंने डाला हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।